हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग वीडियो लेक्चर सीरीज़ के एक और वीडियो लेक्चर में मैं आज आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस का पार्ट नंबर 3 कवर किया था और आज मैं आपको पार्ट नंबर 4 में कुछ और डिफरेंसेस बताऊँगा सी और सी प्लस प्लस में। तो पिछले वीडियो लेक्चर का जो डिफरेंस हमने जो देखे थे पिछले वीडियो लेक्चर में वो यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद मैंने एक और ये इमेज तैयार की है, इसमें मैंने आपको डिफरेंस और भी बताए हैं दो। ठीक है, तो आज भी हम 2 से 3 डिफरेंसेस कवर करेंगे, फिर आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम फर्दर आगे देखेंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस आज हम देखते हैं, मैंने एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाया सी एच नाम का, उसके अंदर मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी ए नाम की। तो सी एच वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो कैरेक्टर है और इसमें हमने कैरेक्टर स्टोर कर दिया ए। ठीक है, कैरेक्टर को हमेशा सिंगल कोड में लिखते हैं। फिर प्रिंट एफ से मैंने इसको प्रिंट करवाया। अब प्रिंट एफ से मैंने इसको प्रिंट करवाया तो ये तो एक कैरेक्टर वेरिएबल है और कैरेक्टर वेरिएबल को मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज सी यूज़ करके प्रिंट करवाता हूँ, बट मैंने यहाँ पे परसेंटेज डी यूज़ कर लिया। ठीक है, परसेंटेज डी मतलब इंटीजर के लिए होता है, ये तो डेसिमल वैल्यू प्रिंट करवाता है। ठीक है, डेसिमल वैल्यू मीन्स डेसिमल नंबर सिस्टम वाली वैल्यू, इंटीजर वैल्यू। तो अब मैंने सी एच को अगर इस प्लेस पे प्रिंट करवा दिया परसेंटेज डी फॉर्मेट यूज़ करते हुए, परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करते हुए, तो क्या होगा कि जो सी एच है वो एक कैरेक्टर है और सी एच कैरेक्टर है तो वो जब इस प्लेस पे जाएगा परसेंटेज डी की प्लेस पे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे उसका प्रमोशन हो जाएगा कैरेक्टर टू इंटीजर में। ठीक है, तो हर एक कैरेक्टर की क्या होती है, कुछ ना कुछ आस्की वैल्यू होती है 0-1 के फॉर्म में, बाइनरी वैल्यू, और फिर उस बाइनरी वैल्यू के पीछे कुछ ना कुछ डेसिमल वैल्यू होती है मतलब इंटीजर वैल्यू। तो सी एच के अंदर ए स्टोर है और ए की जो आस्की वैल्यू होती है डेसिमल फॉर्म में मीन्स इंटीजर फॉर्म में वो होती है 65। तो यहाँ पे परसेंटेज डी क्योंकि हमने यूज़ किया है तो उसकी आस्की वैल्यू 65 हमें शो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें जब कन्वर्जन करना था कैरेक्टर टू इंटीजर तो हमने काफ़ी आसानी से बस फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज कर दिया तो कन्वर्जन हो गया, बट अगर यही काम हमें सी प्लस प्लस में करना होता तो वहाँ तो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते ही नहीं है। ठीक है, सी प्लस प्लस में तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी परसेंटेज एफ यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने क्या किया हुआ है, टाइप कास्टिंग की हुई है, ये आप देख रहे हैं इंटीजर लिखा हुआ है मैंने ब्रेकेट में, तो इस चीज़ को हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं था, अगर मैं केवल सी एच लिखता तो मुझे आउटपुट में ए दिखाई देता जो कि सी एच के अंदर स्टोर है, बट मुझे उसकी आस्की वैल्यू देखनी थी इन डेसिमल फॉर्म मतलब मुझे इंटीजर वैल्यू इसके पीछे क्या है ए के पीछे वो देखना था, तो मैंने सी एच को टाइप कास्ट कर दिया इंटीजर में, इसको हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं। ये मैंने आपको सी में समझाया हुआ है। तो सी एच को मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना था तो आगे मैंने ब्रैकेट में इंट लिख दिया, तो सी एच एक कैरेक्टर है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, तो ए की वैल्यू कन्वर्ट होकर इंटीजर के फॉर्म में 65 आ गई। तो हमने ये डिफरेंस देखा कि यहाँ पे हमारे पास कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर भी है और यहाँ पे भी अगर मुझे कन्वर्ट करना है सी लैंग्वेज में तो यहाँ पे मैं इस टाइप कास्टिंग वाला तरीका भी यूज़ कर सकता हूँ और मेरे पास ये फॉर्मेट स्पेसिफायर वाला तरीका भी है। बट क्योंकि सी प्लस प्लस में हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर्स नहीं हैं तो हम क्या करेंगे, टाइप कास्टिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमने एक डिफरेंस देखा। अगर आपको ऐसा कभी करना पड़ जाए, आपको अगर कैरेक्टर के पीछे जो इंटीजर वैल्यू है आस्की वैल्यू वो प्रिंट करवानी है तो सी प्लस प्लस में आप टाइप कास्टिंग यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट डिफरेंस हम देखते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस हम देख रहे हैं कि कैसे हम टेक्स्ट को न्यू लाइन में लेके आ सकते हैं सी लैंग्वेज में। तो हमने सी लैंग्वेज के बहुत से वीडियो में स्लेश एन को यूज़ किया। स्लेश एन क्या था, न्यू लाइन कैरेक्टर होता है। जब भी हमें
लाइन ब्रेक चाहिए होता है, हम न्यू लाइन में आना चाहते हैं तो हम स्लैश इन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग प्रिंट करवा दी गुड, ठीक है, गुड प्रिंट करवाया तो ये गुड प्रिंट हो गया आउटपुट में आप देख रहे हैं। फिर स्लैश इन, स्लैश इन से न्यू लाइन आ गई तो हमारा जो कर्जर था वो न्यू लाइन में आ गया। फिर इवनिंग लिखा तो ये इवनिंग प्रिंट हो गया, ठीक है। अब यही काम अगर मुझे C++ में करना है तो यहाँ C में हमने देखा कि स्लैश इन का यूज़ करते हुए हम न्यू लाइन में आ सकते हैं, बट C++ में हमारे पास स्लैश एन भी होता है और इसके अलावा हमारे पास एंड एल भी होता है, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास C++ में। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने यहाँ पे सी आउट यूज़ करते हुए गुड स्लैश एन इवनिंग लिखा हुआ है, तो इससे वही सेम आउटपुट आएगा, गुड फिर स्लैश एन से न्यू लाइन फिर इवनिंग, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। तो स्लैश एन को भी हम डबल कोट्स के अंदर यूज़ करते हैं, जो भी स्केप सीक्वेंसेस होते हैं वो भी डबल कोट्स के अंदर आते हैं, या तो फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर डबल कोट्स के अंदर होते हैं, वो स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर होती है। तो हमने गुड लिखा फिर स्लैश एन से न्यू लाइन फिर इवनिंग प्रिंट हो गया। अब न्यू लाइन के लिए हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन है, एंडल को भी हम यूज़ कर सकते हैं, एंडल को हम एंड लाइन बोलते हैं, लाइन को एंड करने के लिए मतलब न्यू लाइन में आने के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले गुड लिखा तो गुड प्रिंट हो गया, ये आप देख रहे हैं। फिर एंडल से न्यू लाइन आ गई। अब एंडल को हम डबल कोट्स के अंदर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये कोई स्केप सीक्वेंस नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि किस हेडर फाइल के अंदर हमें मिलता है, ये हमें मिलता है आयो स्ट्रीम डॉट एच के अंदर, ठीक है। तो आपको कोई एडिशनल हेडर फाइल नहीं डालनी है, आप वही आयो स्ट्रीम डॉट एच, कोनियो डॉट एच, दो हेडर फाइल यूज़ करेंगे। आयो स्ट्रीम के अंदर आपको ये एंडल ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जिसके अंदर सी आउट और सी इन होता है, ठीक है। तो एंड एल हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया और ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि वेरिएबल है, ठीक है। आपको पता होगा कि वेरिएबल को हम कभी भी डबल कोट्स के अंदर नहीं लिख सकते हैं, इसी तरह ऑब्जेक्ट को भी डबल कोट के अंदर नहीं लिख सकते हैं। तो पहले गुड हमने प्रिंट करवाया, गुड एक स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स के अंदर। फिर एंडल से क्या हुआ, एंडल से आ गई न्यू लाइन। अब एंडल एक ऑब्जेक्ट है तो डबल कोट्स में नहीं लिख सकते हैं, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, कॉनकेटनेट कर दिया बाय यूजिंग इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने इंसर्शन ऑपरेटर को कास्केट कर दिया, ठीक है। फिर मैंने एंडल एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद मैं स्ट्रिंग डायरेक्ट नहीं लिख सकता हूँ, तो फिर से मैंने इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ किया और इवनिंग लिख दिया, तो ये आपको न्यू लाइन में इवनिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास दो ऑप्शन है, हम स्लेश एन का भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ एंड एल का भी यूज़ करते हैं, एंड एल को आप एंड लाइन भी बोल सकते हैं। और एंडल यहाँ पे मैंने नोट करके लिखा हुआ है, एंडल इन C++ इज़ नोन एस मैनिपुलेटर। एंडल को C++ में मैनिपुलेटर से जाना जाता है, ये एक मैनिपुलेटर है, मैनिपुलेटर मीन्स आउटपुट फॉर्मेट करने के काम में आता है, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे मैनिपुलेटर हम आगे देखेंगे, एंडल होता है, सेट डब्लू होता है, सेट विड्थ होता है, ठीक है, ऐसे कुछ मैनिपुलेटर्स काफ़ी सारे हैं। तो एंडल के लिए तो मुझे कोई एडिशनल हेडर फाइल नहीं डालनी, बट कुछ जो बाकी जो मैनिपुलेटर्स होते हैं वो मैनिप डॉट एच, आयो मैनिप डॉट एच के अंदर होते हैं, ठीक है, मैनिपुलेशन डॉट एच, तो उनको भी हम कवर करेंगे। तो ये तो हमने दो डिफरेंसेस देखे, मैं आपको एक डिफरेंस और दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये तीसरा डिफरेंस, तीसरे डिफरेंस में हम क्या देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक मेन फंक्शन बनाया हुआ है सी लैंग्वेज में, और मेन फंक्शन के आगे मैंने कोई रिटर्न टाइप नहीं दिया हुआ है। आपको पता है कि हर फंक्शन के आगे हम कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप देते हैं, बट मेन के आगे मैंने कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखा। तो अगर आप प्रोग्राम बनाते हैं सी लैंग्वेज का, मतलब आपने डॉट सी करके फाइल को सेव किया है और आपने अगर कोई रिटर्न टाइप नहीं दिया मेन के आगे, तब भी आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा, रन हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं देता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है वो कंपाइलर हमें दे देता है, और जो रिटर्न टाइप कंपाइलर हमें मेन के आगे लगा के देता है वो होता है वॉइड, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ मेन फंक्शन इन सी लैंग्वेज इज़ वॉइड।
ठीक है, सी लैंग्वेज में आप चाहें तो मेन के आगे इंट यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट यूज़ कर सकते हैं, कैरेक्टर, ये सब रिटर्न टाइप्स यूज़ कर सकते हैं, बट वॉइड हम खुद लगाते हैं तो भी ठीक है, हमें कुछ रिटर्न नहीं करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कोई रिटर्न टाइप नहीं देता हूँ तब भी मुझे कंपाइलर यहाँ पर रिटर्न टाइप दे देता है और वो होता है वॉइड। लेकिन अगर मैं सी प्लस प्लस मतलब डॉट सी पी पी करके मैंने फाइल को सेव किया है और मैंने अगर वॉइड दिया है रिटर्न टाइप, तब तो मुझे कुछ रिटर्न नहीं करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने कोई रिटर्न टाइप मेंशन नहीं किया, तो सी लैंग्वेज में क्या होता था, जब मैंने कोई रिटर्न टाइप नहीं दिया होता था तो सी लैंग्वेज में हमारे पास वॉइड होता था, बट सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं है। अगर आप कोई रिटर्न टाइप नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रिटर्न टाइप यहाँ पे होता है वो इंटीजर होता है। अगर सी प्लस प्लस में हम कोई रिटर्न टाइप नहीं देंगे तो हमें यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा एक इंटीजर वैल्यू को, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो रिटर्न टाइप होता है सी प्लस प्लस में वो इंटीजर होता है। ठीक है, मतलब आप कोई रिटर्न टाइप नहीं देंगे और आपने अगर रिटर्न कीवर्ड यूज़ करते हुए कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की तो आपको इधर शो होगी। ठीक है, तो जब आप सी प्लस प्लस में काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं हमें कुछ रिटर्न ना करना पड़े, तो आपको वॉइड खुद से मेंशन करना पड़ेगा, और आप वॉइड मेंशन नहीं करेंगे तो अपने आप रिटर्न टाइप वॉइड नहीं रहेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो इंटीजर होता है। हम कोई रिटर्न टाइप नहीं देंगे तो हमें रिटर्न वैल्यू करना पड़ेगा, एक इंटीजर वैल्यू हमें रिटर्न करनी पड़ेगी, और हम इंटीजर यहाँ खुद भी मेंशन कर सकते हैं, बट नहीं भी करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर रिटर्न टाइप रहेगा, उस केस में हमें इंटीजर वैल्यू करनी पड़ेगी रिटर्न। तो हमने देखा कि सी लैंग्वेज का बाय डिफ़ॉल्ट जो मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है वो वॉइड होता है, और सी प्लस प्लस में मेन फंक्शन के आगे आपने कोई रिटर्न टाइप नहीं दिया तो वो इंटीजर होता है, इस केस में हमें वैल्यू रिटर्न करनी पड़ती है। तो ये दोनों पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ मेन फंक्शन इन सी प्लस प्लस इज इंटीजर, और ये केवल मेन फंक्शन के केस में मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरे फंक्शंस में ये लागू नहीं होता है। केवल मेन फंक्शन में कंपाइलर आपको रिटर्न टाइप खुद से देता है। सी में जो मेन फंक्शन के आगे रिटर्न टाइप कंपाइलर देता है वो वॉइड होता है, और सी प्लस प्लस में मेन के आगे जो रिटर्न टाइप हमें मिलता है वो इंटीजर होता है। तो ये तीन डिफरेंसेस आज हमने देखे। अब इनके आगे जो डिफरेंसेस हम कवर करने वाले हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग।